हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फहमिंदा इन द किचन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ मैंगो लावा कटोरी केक की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। सो आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट लावा केक की रेसिपी लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड घरों में रेसिपी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। स्पेशली बच्चों की रेसिपी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और ये झटपट बन भी जाते हैं। तो चलिए मजेदार चॉकलेट लावा केक बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर चार इक्वल साइज की कटोरियाँ ले ली हैं और यहाँ पर मैंने चार एल्युमिनियम फॉइल्स ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम ये एल्युमिनियम फॉइल को लेंगे और इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, सेंटर से। एल्युमिनियम फॉइल को हम अब कटोरी में रखेंगे और इसे कटोरी की शेप देंगे इस तरीके से। इसे अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल कटोरी की शेप में बन चुका है और जो ऊपरी सतह थी उसे हमने पीछे की तरफ मोड़ दिया है ताकि जो ऊपरी सतह है वो स्टिफ रहे और इसे निकालने में हमें आसानी हो। इसे हम कटोरी में रख देते हैं और इस तरीके से सारे एल्युमिनियम की कटोरीज बना लेते हैं। हमने हमारे कटोरीज में एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है इस तरीके से। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो बिना एल्युमिनियम फॉइल के भी आप चोको लावा केक बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप चोको लावा केक को बाहर मत निकालिएगा वरना वो टूट जाएंगे। आप डायरेक्ट कटोरी में ही सर्व कीजिएगा। एल्युमिनियम फॉइल की वजह से हम केक को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इन कटोरीज को ऑयल से ग्रीस करके साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पर 180 ग्राम बिस्किट लिए हैं, यानी कि जो हमें मार्केट से 10 रुपए का बॉर्बन बिस्किट मिलता है, ऐसे ही मैंने 3 पैकेट यूज किए हैं चोको लावा केक बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम ये बिस्किट्स को तोड़ लेंगे और इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, बिस्किट का फाइन पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। सो उसके लिए मैंने एक वेसल में 1 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब हम इस पर एक कटोरी रख देंगे और हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। अब इसमें हम डेयरी मिल्क चॉकलेट ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो और नीचे चिपके भी ना। इस बात का ख्याल रखें कि हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। ये देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। ये सारा प्रोसेस हमने लो फ्लेम पर ही किया है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बटर ऐड करने से हमारे चॉकलेट में ग्लॉसीनेस आ जाती है। इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे लो फ्लेम पर। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे
और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने जो बिस्किट को ग्राइंड किया था उसे हमने एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम अपने मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे ताकि हमारे बैटर में लम्स ना बने। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा और मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करते जाएंगे। चोकोलावा केक का बैटर रेडी हो चुका है और इसमें हमने हाफ कप मिल्क यूज़ किया है। जो हम दूसरे केक के बैटर बनाते हैं उसके मुकाबले चोकोलावा केक का बैटर काफ़ी पतला होता है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, रनी सा होना चाहिए ये। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चोकोलावा केक हम कढ़ाई में बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। उसे हम चारों तरफ फैलाकर उसमें एक प्लेट रखेंगे इन्वर्टेड। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। अब इसमें हम अपने चोकोलावा केक का बैटर डाल देंगे। हमें इसे पूरा फिल नहीं करना है, सिर्फ हाफ फिल करना है, क्योंकि वो जब बेक होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे कटोरीज में चोकोलावा केक का बैटर ऐड कर दिया है। अब इसे हम इस तरीके से टैप करेंगे ताकि जब भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और इस बात का ख्याल रखें कि हमें इसे फुल फिल नहीं करना है, आधा फिल करना है। हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, अब इसे हम खोल देते हैं। अब इसमें हम अपने चोकोलावा केक रख देते हैं। संभाल कर रखिएगा, ये काफ़ी गर्म होगा। अब इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। 5 से 7 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा ताकि ये पूरी तरह से बेक ना हो। अगर ये पूरी तरह से बेक हो गए तो इसमें से लावा नहीं निकलेगा। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे चोकोलावा केक बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा चोकोलावा केक ठंडा हो चुका है। तब हम ये एल्युमिनियम फॉइल को इस तरीके से फाड़ देंगे ताकि आसानी से बाहर निकल जाए। इसे आराम से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। लीजिए, हमारे मजेदार चोकोलावा केक बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं कट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें से लावा बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल रहा है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।